सो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो गाइस। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग रेडमी की कौन सी भी डिवाइस में आप लोग इनकमिंग कॉल को डीएक्टिवेट कर सकते हो। गाइस जी हाँ, अगर आप लोग भी चाहते हो कि मेरे फ़ोन पे कोई ऐसी इनकमिंग कॉल ना आए यानी सो ना हो, जिससे हम कोई परेशान कन्फ्यूज़न या फिर कोई दिक्कत आने को मिले। सो गाइस, अगर आप लोग भी यही इनकमिंग कॉल को डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो फिर इस वीडियो के साथ बने रहिए गाइस। सो गाइस, ज़्यादा टाइम गवाते ना हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। सो गाइस, सबसे पहले गाइस आप लोग फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेना है। फ़ोन की सेटिंग ओपन करने के बाद देन आप लोग स्क्रॉल डाउन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ऐप से क्लिक कर लेना है। ऐप पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है। उसके बाद ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक कर लेना है। ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशन यहाँ पे नज़र आ जाते हैं गाइस। तो गाइस आप लोग डायलर को देख लेना, अगर डायलर यहाँ पे मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो गाइस यहाँ पे सर्च बार में भी फाइंड कर सकते हो फ़ोन। चलिए गाइस, मैं फ़ोन सर्च कर देता हूँ, यहाँ पे देखने को मिलता है फ़ोन, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है। उसके बाद देन आप लोग यहाँ पे देख मिल रहा है नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक कर लेना है। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद मिल रहा है सो ऐप आइकॉन। तो गाइस यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑफ ऑन है तो इसको सबको यहाँ पे ऑफ़ कर देना है। देख सकते हो गाइस, मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है। उसके बाद आप लोग को बैकअप कर लेना है। जब भी आपके पास कोई भी अननोन पर्सन आपके पास कॉल करेगा तो गाइस आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आएगी और ना ही आपको महसूस होगा कि मेरे पास किसी ने कॉल की या नहीं। सो गाइस, आप लोग इस तरीके से इस फ्यूचर को कर सकते हो गाइस। सो गाइस, आशा करता हूँ गाइस जो जानकारी आप जानना चाहते थे आपको मिल चुकी होगी। बाय द वे, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई है तो गाइस आप लोग नीचे आके कमेंट कर सकते हो गाइस। सो गाइस, आशा करता हूँ गाइस जो जानकारी आप जानना चाहते थे आपको मिल चुकी होगी। तभी भी आपको अपने रेडमी की कौन सी भी डिवाइस में आप लोग इनकमिंग कॉल को डीएक्टिवेट करने में कोई दिक्कत परेशानी मान पड़ती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे गाइस। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।